व्यूअर्स, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब यूपीआई पेमेंट इंटरफेस आप यूज करते हैं तो क्या क्या काम आपको नहीं करना और क्या करना है और क्या कर सकते हैं आप। पे और रिक्वेस्ट मनी 24/7 इंस्टेंटली इवन ऑन द बैंक हॉलीडे। आप किसी भी समय पेमेंट कर सकते हैं जबकि बैंक का हॉलीडे हो तब भी। All bank accounts can be accessed using a single UPI app भी। आप किसी भी बैंक के ऐप को यूज कर सकते हैं भीम की सहायता से, किसी भी बैंक के अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं भीम या UPI की सहायता से। No need to provide ATM card। और आपको अपने ATM card का डिटेल भी नहीं देना है वहाँ पर। Account detail while making transaction। और अकाउंट का डिटेल जब ट्रांजेक्शन करते हैं। नाइदर द पे नॉर द बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू शेयर अ बैंक डिटेल। जिसको आप पे कर रहे हैं और जो बेनिफिशियरी है, जो पे कर रहा है और जो बेनिफिशियरी है, दोनों को ही अपने बैंक अकाउंट डिटेल नहीं देना है। पेमेंट कैन बी मेड डायरेक्टली बाई वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो आपके वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से आप अपना पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपना पेमेंट एड्रेस बनाते हैं तब आपके बैंक का डिटेल वो सेव कर लेता है जो आपको दूसरों को नहीं देना पड़ता। फंड ट्रांसफ़र और बिल पेमेंट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका पेमेंट का चार्ज भी नहीं लगता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कंप्लेन कैन बी रेज थ्रू द मोबाइल ऐप डायरेक्ट। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मोबाइल से कंप्लेन कर सकते हैं। दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन एंड थिंक दैट इट कैन प्रोवाइड अ हेल्प टू यूजिंग UPI, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर माय चैनल रतन अग्रवाल IT इनफॉर्मर। फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक। जॉइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन। गो टू कम्युनिटी एंड आंसर ऑन पोल एंड See my video. Thank you.